जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है वीर हेलमेट, जो कि हमारे भारतीय सेना में कार्यरत सिख सोल्जर्स के लिए विशेष तौर पर विकसित करी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस हेलमेट के आने के बाद सिख सोल्जर्स की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा एनहांस होगी, इस हेलमेट के क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनिशियली जब इस हेलमेट का प्लान सामने आया था तो कुछ विवाद भी बढ़ा था, तो उस विवाद में क्या भारतीय सेना का निर्णय होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में MQU टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उन्होंने एक इनोवेटिव वे में सिख सोल्जर्स के लिए एक विशेष हेलमेट का निर्माण किया है, जिसको वीर के नाम से जाना जाएगा। और इसे ऐसे स्पेशली डिजाइन किया गया है कि भारतीय सेना में जो सिख सोल्जर हैं वो इसे इजीली पहन भी सकते हैं, और अपने मिशन रिक्वायरमेंट के आधार पे जो जरूरी साजो सामान है वो इसमें माउंट भी कर सकते हैं। दरअसल अगर हम MQU की बात करें तो ऑलरेडी भारतीय सेना को इनके द्वारा तकरीबन 158,000 जो हेलमेट्स हैं वो सप्लाई करी गई हैं। और अब विशेषता ये जो हेलमेट इन्होंने बनाई है, जिसका नाम वीर है, ये सिख सोल्जर्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है। वीर हेलमेट को हम कॉर्वो SCS-111T के नाम पे भी जानते हैं, और इन्हें MQU लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसकी स्मार्ट डिजाइन इस प्रकार से है कि इसे जो सिख सोल्जर्स के पग होते हैं, जिसको हम पतका क्लॉथ भी कहते हैं, उसके ऊपर भी इसको पहना जा सकता है, और इससे लाइन ऑफ ड्यूटी में जो हमारे सिख सोल्जर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा यहाँ पर इन्हेंस किया जाएगा। ये जो SCS-111 हेलमेट है, जिसको हम वीर के नाम से जानेंगे, ये Level 3A का प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और इससे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका जो पूरा सर है वो कवर होता है, और इन्हें हर प्रकार की जो बैलिस्टिक थ्रेट है उससे ये बचाती है, या फिर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनके भी वार से ये पूरी तरह उनको सुरक्षित करती है। अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस रिड्यूस हेलमेट ट्रॉमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेकेंडरी इंजरीज से भी स्कल को बचाती है, यानी कि जो पूरा का पूरा सर होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए जितने भी अहम यहाँ पर टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, और हमारे सिख सोल्जर्स किसी भी विषम परिस्थिति में पूर्णतया सुरक्षित रहें, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। अब अगर हम इस हेलमेट के डिजाइन की बात करें तो इसमें एक बोल्ट फ्री हेलमेट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल भी है और ये पहनने में भी काफी ज्यादा आसान है। और इसके अलावा ये मल्टी एक्सेसरी करेक्टर सिस्टम से भी इक्विप है, यानी कंपैटिबल है, और अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जैसे कि लेटेस्ट हेड माउंटेड सेंसर हो गए, कैमराज हो गए, टॉर्चेस हो गए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गए, नाइट विजन डिवाइसेस हो गई, या फिर दूसरे जो जरूरी साजो सामान हैं जो कि आमतौर पर सोल्जर्स अपने हेलमेट में माउंट करते हैं, उसको इसमें ईजिली इस्तेमाल किया जा सकेगा। MQU टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भारत में उपस्थित उन कुछ ही कंपनियों में से एक है जो लगातार ऑप्ट्रॉनिक और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है सोल्जर्स को प्रदान करते रहे हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की तकरीबन 230 से ज़्यादा फोर्सेस को इनके द्वारा सप्लाई किए गए जो इक्विपमेंट है आज फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, और भारत भी अपने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए MQU टेक्नोलॉजीज की तरफ देख रहा है। अगर हम बात करें तो बेसिकली इस कंपनी का जो ऑपरेशन है वो इंडिया और जर्मनी में होता है, जहां पर इनके द्वारा अब तक 3 मिलियन सोल्जर्स को जो अलग अलग प्रोटेक्शन है वो प्रदान करी गई हैं। अब आइए वापस आते हैं वीर हेलमेट पे। अगर हम वीर हेलमेट को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी कि इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सिख सोल्जर्स के लिए काफी कंफर्टेबल है। इसे इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, और आप हेलमेट को गौर से देखेंगे तो इसके सेंटर पे आपको एक बल्ब दिखेगा, जिसके चलते जो पूरा सर है वो इजिली कवर हो जाता है, और ये जो हेलमेट है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड करती है, जो कि -20 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री या उससे ऊपर भी यहाँ पर विथस्टैंड कर सकता है, और इजीली सोल्जर्स को जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है। अगर अभी तक के मिलिट्री ऑपरेशंस की बात की जाए तो उसमें हमारे जो वीर सिख सोल्जर्स हैं वो बुलेट प्रूफ पतकास का इस्तेमाल करते हैं, उनको पहनते हैं, लेकिन इसमें जो एडवांस सिस्टम्स हैं उनको इक्विप नहीं किया जा सकता, और जो प्रोटेक्शन है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है बुलेट के अगेंस्ट में। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए MQU टेक्नोलॉजीज के द्वारा इस हेलमेट का निर्माण किया गया है, जो कि एंटी एलर्जिक, वाटर रेजिस्टेंट, केमिकल सेफ, शॉक एब्जॉर्प्शन, फ्रेम रेजिस्टेंट, एंटी फंगल, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक लाइट वेट हेलमेट है, और
ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरी भी करती है जो कि बैटलफील्ड में ऑपरेशन के दौरान होती हैं। कंपनी ऑफिशियल्स को लेकर के ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने सिख सोल्जर के सम्मान में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस हेलमेट का निर्माण किया है और उन्हें उम्मीद है कि ये जो हेलमेट है ये पूर्णतया उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी। हालांकि शुरुआती दौर पर जब ये खबर सामने आई थी कि भारतीय सेना इस प्रकार की 12,730 हेलमेट्स को खरीद रही है तो इसको लेकर के कुछ विवाद भी हुए थे, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी और इसको लेकर के अलग अलग जो ओपिनियंस थे वो भी हमें देखने को मिले थे। दरअसल आपको हम बताएंगे कि अकाल तख्त और SGPC के द्वारा इसको लेकर के विवाद यहाँ पर आया था सामने। उन्होंने कहा था कि ये जो सिख मर्यादा है जिसको रहत मर्यादा भी कहा जाता है उसके अगेंस्ट है और सिख सोल्जर्स को इस प्रकार के किसी भी हेलमेट को नहीं पहनना चाहिए और इसको लेकर के उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज भी करवाई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों सर जो कि एक पूर्व प्रोफेसर रहे हैं हिस्ट्री के पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, उन्होंने इस हेलमेट के बारे में जानकारी प्राप्त करी और सभी एस्पेक्ट के जांच करने के बाद ये कहा कि ये सिख सोल्जर्स के लिए पूर्णतया सही है लेकिन फिर भी अगर सिख जो यहाँ पर गुरु हैं जिनको इससे समस्या है जैसे कि अकाल तख्त हो गए या SGPC हो गई तो ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय सेना की तो भारतीय सेना 8,911 की संख्या में इन हेलमेट को लार्ज साइज में खरीद रही है और 3,819 की संख्या में ये हेलमेट एक्स्ट्रा लार्ज साइज में खरीद रही हैं और इन्हें सिख सोल्जर्स को मुहैया भी करवाया जाएगा। सेना की बात करें तो सेना ने कहा है कि वो अपने सिख सोल्जर्स की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है और जो भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे जिसमें ये चीज़ इंश्योर होगी कि हमारे सिख सोल्जर्स पूर्णतया बैटलफील्ड में सुरक्षित हैं वो कदम सेना के द्वारा उठाए जाएंगे। सेना ने कहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर के ये हेलमेट ली जा रही हैं और हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से जो अकल तख्त है या फिर SGPC है इन्हें सिख सोल्जर्स की सुरक्षा को लेकर के कोई भी दिक्कत होने वाली है। यानी सेना को इस चीज़ का पूर्ण भरोसा है कि उनका ये कदम पूर्णतया सही है और सिख सोल्जर्स की सुरक्षा को ध्यान में रख करके उठाया गया है। खैर आपको हम बताना चाहेंगे भारतीय सेना ने पहले भी कहा है कि वो अपने सोल्जर्स की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं और ये जो इक्वालिटी सामने रखी गई है पैरेलल ग्राउंड में वो बनी रहेगी और किसी भी तरीके से जो हमारे सिख सोल्जर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी वीर हेलमेट के बारे में और इससे जुड़े जो थोड़े बहुत विवाद थे उनके बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।